हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड पार्ट। इस थर्ड पार्ट के सेशन में मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर टार्क, उस पर वर्क, उस पर पोटेंशियल एनर्जी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, उसके पोलराइजेशन और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस होता है वांडी ग्राफ जनरेटर, ये हमारा आज के सेशन का टॉपिक होगा। नाउ स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट थर्ड, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स का हमारा थर्ड पार्ट। यहां हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमारा टॉपिक है टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। टार्क आपको पता है, 11th क्लास से टार्क क्या होता है ये आप सबको पता है कि जब किसी बॉडी पर अपन टार्क अप्लाई करते हैं तो बॉडी रोटेट होता है। टार्क जो होता है वह टू इक्वल फोर्स में से कोई एक फोर्स और दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसके इक्वल होता है प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है अपने पास, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में टार्क कितना होता है ये कैलकुलेट करना है। सपोज अपन कंसीडर करते हैं ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इंटेंसिटी ई है। यहाँ पर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल चार्जेस, ये दो इक्वल चार्ज रखे हुए हैं। सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है और सपोज ये माइनस क्यू चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना के इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रखा हुआ है। नेचुरली आप यहां समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी ई है तो इस चार्ज पर इस साइड जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में वो हो जाएगा क्यू इंटू ई और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो जाएगा क्यू इंटू ई। इस तरह से यहां पर फोर्स ऑफ कपल डेवलप होगा और जब कहीं भी फोर्स ऑफ कपल डेवलप होता है तो वहां टार्क डेवलप होता है। टार्क डेवलप करने के लिए सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके बीच के डिस्टेंस को हमने सपोज 2L सपोज कर लिया। अब टार्क निकालने के लिए एनी वन फोर्स एंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस लाइन को पीछे किए और यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया AC। तो AC यहाँ पर क्या होगा, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि ये पैरा लाइन है, अल्टरनेट एंगल होंगे। क्लियर? तो बहुत आसान से इसमें कैलकुलेशन है। देखिए अब यहाँ पर हम टार्क कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर टार्क टाउ इक्वल टू फोर्स, दैट मीन्स क्यू इंटू ई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स ऑफ कपल। ये फोर्स ऑफ कपल है, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, AC है, तो क्यू इंटू क्या हो जाएगा, AC। बट आप देखिए हमको यहाँ पर इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, यहाँ हमको AC का वैल्यू फाइंड करना है 2L के फॉर्म में। तो यहाँ से हम साइन थीटा फाइंड करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स साइन थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB, दैट इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू AC और AB का वैल्यू क्या हमने लिया है 2L, दोनों इलेक्ट्रिक पोल के बीच का डिस्टेंस। दैट इम्प्लाइज यहाँ से हम AC का वैल्यू फाइंड कर लें तो AC इक्वल टू हो जाएगा 2L इंटू साइन थीटा। अब इस वैल्यू के यहाँ पर पुट अप कर दें, दैट इम्प्लाइज टाउ इक्वल टू क्यू ई इंटू, ये वैल्यू हो जाएगा 2L साइन थीटा, दैट इम्प्लाइज टाउ इक्वल यहाँ पर ये क्यू और 2L को, ठीक है, 2QL को हमने सेपरेट किया और ई इंटू साइन थीटा। अब आपको पता है कि 2QL जो होता है यही क्या होता है, P, 2QL क्या होता है, P होता है। तो देयरफॉर फाइनल इक्वेशन इज टाई इक्वल टू PE इंटू साइन थीटा। ये होता है टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में इतना टार्क डेवलप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा, प्लस न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इस पर टू स्पेशल केस है,
इसके टू स्पेशल कंडीशंस हैं। फर्स्ट केस इज इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन यहां पर आप फिगर में देखिए ये थीटा यदि 0 हो जाए, अभी हमारा डाइपोल ऐसा है थीटा 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक डाइपोल पैरेलल विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए उस कंडीशन में हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दें तो टाई इक्वल टू पी ई साइन 0, दैट इम्प्लाइज टाई इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0, और इस समय यह टार्क का मिनिमम वैल्यू होता है। तो टार्क का मिनिमम वैल्यू 0 होता है किस केस में, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल 0 हो, दैट मीन्स दोनों क्या हो, पैरेलल हो। एंड नेक्स्ट इज इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो उस टाइम में टाई इक्वल टू हो जाएगा पी ई साइन 90 डिग्री। साइन 90 इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन विच इज 1, साइन 90 का वैल्यू सबसे बड़ा 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और टाई इक्वल टू हो जाएगा पी इन टू ई। इस समय टा का जो वैल्यू होता है टार्क का वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। दैट मीन्स इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर देन टार्क इज मिनिमम, दैट इज 0, एंड इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन टार्क विल बी मैक्सिमम एंड इट्स वैल्यू इज पी इंटू ई। ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसका सिमिलर टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद हम निकालेंगे वर्क ऑन ए डाइपोल, क्लियर। वर्क डन ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस टॉपिक का सेंस क्या है कि सपोज हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और हम क्या करते हैं, उसको मूव करना चाहते हैं थीटा डिग्री से। इमेजिन करिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अब इसको मैं मूव करना चाहता हूँ, इस तरह का सिचुएशन, फिगर तो सेम बनेगा। वर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर वर्क कैसा होगा, देखिए सेम सिचुएशन है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है और यह सपोज इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू। अब हम क्या करते हैं, इसको थीटा डिग्री से मूव करना चाहते हैं, मतलब इसका जो इनिशियल कंडीशन है यहां से हम उसको थीटा डिग्री मूव करना चाहते हैं। तो थीटा डिग्री मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेंगे, नाउ लेट अस कंसिडर इट मूव डी थीटा एंगल, स्मॉल एंगल डी थीटा, डी थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज सपोज डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज टा इंटू डी थीटा, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हियर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डी डब्ल्यू एंड फोर्स इज टार्क इज फोर्स इंटू डी थीटा, देयरफॉर टोटल वर्क टू मूव 0 टू थीटा, सपोज हम उसको इनिशियल कंडीशन से थीटा डिग्री तक, इनिशियल कंडीशन मीन्स जहां वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, सपोज इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, हम इससे इसको थीटा डिग्री टर्न करना चाहते हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, देन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू फ्रॉम 0 टू थीटा, लोअर लिमिट इज 0 अपर इज थीटा, और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क को इंटीग्रेशन मतलब हम सम कर देंगे। नाउ पुट अप द वैल्यू 0 टू थीटा और ये टा इंटू हो जाएगा डी थीटा, अब इसको हम इंटीग्रेट करें, दैट इक्वल टू 0 टू थीटा, टा का वैल्यू होता है पी ई साइन थीटा, अभी डिराइव किया है, तो पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, अब इसको हम इंटीग्रेट करके लिमिट पुट अप कर देते हैं तो वर्क का कैलकुलेट हो जाएगा। देयरफॉर डब्ल्यू इक्वल टू पी ई कांस्टेंट है और अंदर होगा साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा, दैट इम्प्लाइज डब्ल्यू इक्वल टू पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा 0 टू थीटा, इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगा। आफ्टर इंटीग्रेशन हम इसका वैल्यू पुट अप कर देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, दैट इम्प्लाइज डब्ल्यू इक्वल टू पी ई माइनस को बाहर कर दिया कॉस थीटा माइनस कॉस 0, दैट इम्प्लाइज डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1,
इस तरह से देयरफॉर डब्ल्यू इक्वल टू माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पी वन माइनस कॉस थीटा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट टर्न विथ थीटा एंगल देन टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इज पी अंडर ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से हम यहाँ पर वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो हमको ये कॉन्सेप्ट पता है कि अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी। हम जो वर्क करते हैं वही उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम सेम टॉपिक को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसी में आपको करेक्शन करके बता देता हूँ। इसी कंडीशन में हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पी ई आर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब हम इसको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट है पाई बाय टू थीटा। दैट मीन्स यदि हम अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर कंडीशन से, दैट मीन्स ये हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस तरह से रखा हुआ है ऐसा, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ये पाई बाय टू एंगल बनाया हुआ है। इस कंडीशन से यदि हम उसको थीटा डिग्री तक टर्न करना चाहें, मतलब इनिशियली वो परपेंडिकुलर है और उसे हम उसको थीटा डिग्री टर्न करना चाहें तो जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसी में करेक्शन कर सकते हैं, सेम ये वर्क होगा, ये होगा, यहाँ पर हमने जीरो टू थीटा इंटीग्रेट किया था वो हो जाएगा क्या पाई बाय टू टू थीटा। मतलब हम लिमिट बस चेंज करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा ये पाई बाय टू टू थीटा। कंपेरेटिव बता दे रहा हूँ आपको, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। ओनली आप लोअर लिमिट को चेंज कर दो, यहाँ पर भी लोअर लिमिट पाई बाई टू हो जाएगा, सभी जीरो को आप पाई बाई टू कर दो, ये भी पाई बाई टू और कास 90 डिग्री कितना होता है जीरो होता है, ये हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो फाइनल इक्वेशन है ये कास 90 जीरो हो गया, तो अपना फाइनल इक्वेशन हो जाएगा पी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी ई सॉरी कास थीटा पी ई कास थीटा एंड दैट टाइम दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों का टॉपिक का कैलकुलेशन सेम टू सेम है। क्लियर। हम सेम सिचुएशन पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है पोटेंशियल एनर्जी आर इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तीनों कोरिलेटेड टॉपिक हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टार्क, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हम कितना वर्क करते हैं एंड थर्ड इज पोटेंशियल एनर्जी आर इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने कैपेसिटर जब पढ़ा तो कई बार हमने यूज़ किया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट कर देते हैं, ये हम पढ़े हैं। अब यहाँ पर हम स्पेशली उसको पढ़ेंगे, मैंने उस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि हम आगे पढ़ेंगे डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल डायलेक्ट मटेरियल को डायलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं, डायलेक्ट्रिक्स भी कहा जाता है इसको। तो डायलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है, ये एक स्पेशल मटेरियल है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता, विच नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब डायलेक्ट्रिक मटेरियल में यदि हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराना चाहें तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने देता। इसका मतलब फिर वो इंसुलेटर नहीं है, आप ऐसा मत समझना कि फिर तो इंसुलेटर हो गया। बट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता, फ्लो नहीं होने देता, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के सारे प्रॉपर्टी क्या करता है, ये शो करता है। तो डाइइलेक्ट्रिक एक स्पेशल टाइप का मटेरियल हो गया और इसका टू टाइप्स होता है। फर्स्ट इज पोलर डाइइलेक्ट्रिक एंड सेकंड इज नॉन पोलर। दो तरह का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो इसके जो पॉजिटिव और निगेटिव पोल हैं वो सेपरेट सेपरेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव इसका पोल है, ये निगेटिव पोल है। मतलब दोनों पोल यदि सेपरेट रहें, अलग अलग रहे, तो पोलर होता है। फॉर एग्जाम्पल
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है वाटर H2O। ये सब क्या है? पोलर डायलेटिक मटेरियल है। बट नॉन पोलर डायलेटिक मटेरियल सर, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव जो पोल्स हैं वो कोइंसाइड होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पर होते हैं, यहीं पर पॉजिटिव है और यहीं पर निगेटिव है, इसलिए दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एक ही पॉइंट पर होने के कारण वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब इसके पोल सेपरेट नहीं होते, पोल एक ही पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। या वैक्स मोम जो अपन यूज करते हैं, माइका, ये सब हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाते हैं। आपने देखा होगा कई इलेक्ट्रिक डिवाइस खराब होने के बाद आप यदि तोड़ ओड़ के देखे होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक प्लेस है, प्रेस है कॉयल वाले, उसको निकालोगे तो माइका का प्लेट निकलता है, या कभी कभी कैपेसिटर जब खराब होता है तो उसको तोड़ के देखोगे तो उसके अंदर में वैक्स फिलअप किया जाता है। ये सब क्या है, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। इसके बाद हमको इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, इट्स पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट करना। टू कन्वर्ट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन टू पोलर फॉर्म इज कॉल्ड इट्स पोलराइजेशन। इसका प्रोसेस कैसे होता है, सपोज ये अपने पास टू प्लेट्स हैं, ये एक हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सपोज पॉजिटिव प्लेट है और ये सपोज निगेटिव प्लेट है, इस तरह से, और इस दोनों प्लेट के बीच में हम सपोज किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट अप कर दिए। जैसे हम दोनों प्लेट के बीच में इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट अप करेंगे तो नेचुरली आप हम देख रहे हो ये जो पॉजिटिव प्लेट है वो इसके निगेटिव प्लेट को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अभी कोइंसाइड है, लेकिन इस इंटेंस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण निगेटिव प्लेट इधर आ जाएगा और इसका पॉजिटिव को ये सेपरेट करके अलग कर देगा। इस तरह से अपने पास ये जो नॉन पोलर था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोलर में। तो नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। क्लियर, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसका पोलराइजेशन का मतलब ये हुआ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसे मटेरियल हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने नहीं देते लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर, एंड दिस इज द पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्लियर, एंड आवर लास्ट टॉपिक इज वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस में, ये सिलेबस में कई बार सिलेबस में रहता है, कई बार आप सिलेबस से हट जाता है, आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, सभी राइटर के बुक में मिलेगा, सीबीएसई के सिलेबस में कई बार ये सिलेबस में रहा, कई बार हट जाता है। तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते क्योंकि एक डिवाइस है ये, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जब ये सिलेबस में होता है स्टेट बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई आल्सो, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में बहुत साल से ये सिलेबस में आते रहे जाते रहे क्योंकि हर साल सीबीएसई के सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। तो आप जिस भी बैच को बिलोंग करेंगे, आप रिसेंटली जो सीबीएसई का सिलेबस आप देखेंगे, कभी होता है कभी नहीं होता, और जब सिलेबस में होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। क्लियर, वान डी ग्राफ जनरेटर क्या है, देखिए वान डी ग्राफ वान डी ग्राफ साइंटिस्ट का नाम है, वान डी ग्राफ नाम के साइंटिस्ट ने एक जनरेटर बनाया। ये जनरेटर है दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करता है और हाई पोटेंशियल का नियर अबाउट 10 लाख ओम, दैट मीन्स इसका जो पोटेंशियल होता है वो 10^6 वोल्ट के आसपास ये, मतलब हाई वोल्टेज का पोटेंशियल ये जनरेट करने के काम आता है। इसका जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल कहलाता है एक्शन ऑफ पॉइंट। इसका प्रिंसिपल है एक्शन ऑफ पॉइंट, इस प्रिंसिपल पर ये काम करता है एक्शन ऑफ पॉइंट। एक्शन ऑफ पॉइंट होता क्या है, देखिए इस तरह का एक सिचुएशन आपको मैं बता रहा हूं, ये इस तरह का एक अपने पास एक इस साइज का एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ये पॉइंटेड है यहाँ पर। अब इसको हम यदि चार्ज दें,
तो सपोज इसको हम प्लस चार्ज देते हैं पूरे बॉडी को, तो होता क्या है कि इसका जो पॉइंटेड पोजिशन है, इस पॉइंटेड पोजिशन पर एरिया बहुत कम है लेकिन क्या होता है चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है इस तरह से। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी हाई होने के कारण ये क्या करता है, ये इसका पॉइंटेड जो एरिया है वो चार्ज को स्टोर नहीं कर पाता, चार्ज को स्टोर नहीं कर पाता, तो यहाँ पर क्या होता है चार्ज एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज होने लगते हैं, एटमॉस्फेयर में जाने लगते हैं और इसके आसपास इलेक्ट्रिक चार्ज का एक विंड, एक तूफान चलने लगता है, इसको बोलते हैं एक्शन ऑफ पॉइंट, और यहाँ पर चलने लगता है इलेक्ट्रिकल विंड, इलेक्ट्रिकल विंड यहाँ चलने लगता है, ये इलेक्ट्रिकल विंड चलता है और इसी के बेस को, इसी को, इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रख के वन डी ग्राफ में एक जनरेटर बनाया। अभी मैं इसके प्रोसेस को समझाने के लिए यहाँ पर एक रफ फिगर स्क्रेच कर देता हूँ, फिर आपको अपने बोर्ड पर इसका रियल फिगर मैं आपको शो कर दूंगा, उस फिगर को आप देख लेंगे, क्लियर। तो इसमें होता क्या है, देखें एक इलेक्ट्रिकल शील्ड, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को सेफ रखने के लिए एक इस तरह से बॉक्स जैसा होता है और इसके अंदर में ये एक हेमी स्फीयर के साइज का ये ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा हेमी स्फीयर होता है और ये इस तरह से इसके साथ ये कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर टू पुली होते हैं, एक पुली ये पुली, समझ गए आप, पुली जो राउंड करता है उसको, और इसमें एक बेल्ट लगा होता है रबर का, इस तरह से ये रबर का बेल्ट लगा हुआ है, और यहाँ पर कॉम्ब होता है, कॉम्ब मतलब कंघी, इस तरह से, और यहाँ पर भी एक कॉम्ब होता है इस तरह से, वहाँ कनेक्टेड होता है, ये हाई पोटेंशियल के बैटरी से कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड टू अर्थ होता है, और ये बॉक्स भी हमारा कनेक्टेड टू अर्थ होता है, ये हाई टेंशन की बैटरी है। अब क्या होता है देखिए, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ से स्विच ऑन करते हैं, यहाँ सपोज की है, तो यहाँ से जैसे स्विच ऑन करते हैं तो ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का विंड चलने लगता है, क्योंकि ये जो कॉम्ब है वो पॉइंटेड है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेल्ट के थ्रू ऊपर जाने लगता है। जैसे ही इस कॉम्ब के पास वो पहुँचता है तो यहाँ पर अपोजिट चार्ज, दैट मीन्स माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है, और माइनस चार्ज डेवलप होने के बाद ये जो आप हेमीस्फीयर देख रहे हैं इसके बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ड्यू टू इंडक्शन, तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है इस तरह से, ये बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्या होता है स्टोर होते जाता है, ये प्रोसेस चलते रहता है और ये चार्ज यहाँ स्टोर हो जाता है, और यहाँ पर एक सिस्टम होता है जो बाहर निकले रहता है टारगेट के पास, और ये जो सिस्टम जो रिसीव करेगा फाइनली, तो ये प्रोसेस चलते रहता है चलते रहता है, चलते चलते क्या होता है यहाँ पर जब बहुत पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाता है हाई पोटेंशियल नियर अबाउट 10 लाख वोल्ट पोटेंशियल पर पहुँच जाता है, तो एक सिस्टम के हेल्प से हम इसको इसके साथ ज्वाइंट करा देते हैं स्फीयर के साथ, तो क्या होता है ये पूरा पॉजिटिव चार्ज सडन बाहर निकल के ये टारगेट को हीट करता है, ये टारगेट होता है हैवी न्यूक्लियस, और जब इस हैवी न्यूक्लियस पर उसकी बमबार्डिंग होती है तो न्यूक्लियस क्या करता है ब्रेक करता है, दैट मीन्स ये न्यूक्लियर फिजन के काम आता है। न्यूक्लियर फिजन मतलब क्या होता है हैवी न्यूक्लियस को पार्ट पार्ट में, जैसे यूरेनियम 235 से एटम बम बनाया गया तो ये क्या करता है फ्यूज करता है उसको, हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक करके स्मॉल न्यूक्लियस में चेंज करता है। इस तरह से इसका बेसिकली इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका यूज़ होता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इसका फिगर ड्रा किया, इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिगर अपने को देखने को मिलता है क्योंकि एक डिवाइस है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये रियल फिगर है, ये रियल फिगर है वांडी ग्राफ जनरेटर का, तो यहाँ पर आप वांडी ग्राफ जनरेटर को समझ सकते हैं कि डिवाइस कैसा होता है। ये इसका सिम्बोलिक फिगर है जो मैंने आपको समझाया, रियल फिगर यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो वांडी ग्राफ जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब ये सिलेबस में होता है तो बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने स्पेशली इस सिलेबस को कवर किया। तो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो थर्ड पार्ट है कंप्लीट किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पूरा हो जाता है। इस पार्ट में मैंने आपको कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन किया, टार्क, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट्स पोलराइजेशन इन द वांडी ग्राफ जनरेटर। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इसके बाद आपको ये लर्न हो जाएगा। ओके, थैंक यू।